इनकम टैक्स की हिरासत में आप विधायक नरेश बाल्यान। 2 करोड़ कैश के मामले में फंसे विधायक नरेश बाल्यान। आयकर विभाग की जद में आए आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश बाल्यान एक बार फिर विवादों में। इस बार आयकर विभाग ने बाल्यान के ठिकानों पर छापेमारी की है। आयकर विभाग के अधिकारियों ने द्वारका में एक बिल्डर के दफ्तर पर छापेमारी की, जहां विधायक नरेश बाल्यान, एक बिल्डर और उनके 2 सहयोगियों से लंबी पूछताछ हुई। ये पूछताछ शुक्रवार दोपहर 1 बजे से पूरी रात चलती रही। नरेश बाल्यान भी मौजूद हैं और उनसे आयकर विभाग के जो अधिकारी हैं वो पूछताछ कर रहे हैं, और 2 से 3 करोड़ रुपए बताए जाते हैं कि वो कैश मिले हैं, और उस रकम का जो स्रोत है वो आयकर विभाग के अधिकारी जो है पूछने की कोशिश में हैं। बताया जा रहा है कि इनकम टैक्स विभाग के अधिकारी द्वारका में सर्वे के मकसद से पहुंचे थे। नरेश बाल्यान शुक्रवार शाम द्वारका के सेक्टर 12 के पॉकेट 6 के फ्लैट नंबर 86 में मौजूद थे। ये फ्लैट एक प्रॉपर्टी डीलर का बताया जा रहा है। आरोप है कि इसी दौरान आप नेता नरेश बाल्यान के पास करीब 2 करोड़ रुपए कैश बरामद हुए। इनकम टैक्स के अधिकारी नरेश बाल्यान से इस पैसे के स्रोत को लेकर पूछताछ कर रहे हैं। हालांकि अपने विधायक पर इनकम टैक्स की इस कार्रवाई को आम आदमी पार्टी सियासी बता रही है। रेड की इसलिए जाती है CBI की हो या IT की हो कि बदनामी की जाए, मगर कागजों में, सबूत में, एविडेंस में कुछ नहीं मिलता। मतलब ये मैं ये कह सकता हूँ मरा हुआ चूहा भी इन्हें नहीं मिलता, वरना अब तक ये हमारे लोगों को चार्जशीट करके उसके अंदर कुछ निकाल पाते। प्रॉपर्टी की इस डील में आप विधायक कितने पाकसाफ हैं या इसमें कोई गड़बड़ झाला हुआ, इसका खुलासा तो जांच के बाद ही चलेगा। दिल्ली से सूरज अरोड़ा और वाजिद अली के साथ टीम न्यूज़ नेशन।